12 में क्या 101 चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है। इसमें ए बी की जो है वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, ए बी की जो लंबाई दी है वो है 24 सेंटीमीटर, और कह रहा है ए ओ और बी ओ, ठीक है, ए कोई बिंदु केंद्र होगा, ठीक है, ए ओ ये क्या विकर्ण वाला होगा, ठीक, ये विकर्ण मिला रहे हैं इसको, ये विकर्ण, ठीक, ओ, ठीक, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक, ये विकर्ण हो गया इधर डॉट डॉट। अब जो है इसमें ये ओ है, ओ दिया हुआ है, ए ओ कितना दिया है 13, ये 13 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है BC की क्या है लंबाई बतानी, मान बताना है, ये वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, ठीक, BC बताना है। तो ये समांतर चतुर्भुज है पहली चीज, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो AO दिया हुआ है, AO दिया हुआ है 13, तो AC कितना हो जाएगा, AC ये 26 हो जाएगा, ठीक, और BO कितना दिया हुआ है, BO दिया हुआ है 13, तो क्या है BC कितना हो, BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 26, ठीक, दोनों 26 हो गए, और क्या दिया है AB दिया है, AB हमें दिया हुआ है, AB सॉरी ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। निकालना क्या है BC हमें निकालना है। तो हमें पता है एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यानी विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वो दो संलग्न भुजाओं के वर्गों के योग के दोगुना होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, का ये होल ट्वाइस होता है, ठीक है, सॉरी होल ट्वाइस, हाँ, दो का गुणा होता है, ठीक। तो इसी फार्मूले को हम लगा देंगे, जब इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्या है AC के वैल्यू 26 का स्क्वायर प्लस BD 26 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 AB कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, और BC को x मान लो, ये x का स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व करो इसको, क्या कर लेते हैं इसको, दो बार कर लो, 2 × 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का होता है 676, ठीक है, 26 का 676 हो गया, इधर ये दो दो इंटू इधर कितने 24 का कितना होता है 576, 576 प्लस 2x² हो गया, ठीक, इसको इस तरफ ले आओ, दो इसमें दोनों को दोनों से दो कॉमन कर लो, ये 676 हो गया और ये हो गया 576, ठीक, वर्ग याद था इसलिए ऐसे कर लिया, नहीं याद होता तो वैसे फार्मूला लगा लेते a² - b² वाला, ठीक है, इधर ये 2x² हो गया। अब क्या हो गया आगे इसको यहाँ सॉल्व कर लो, 2 × 100 इज इक्वल टू 2x² भाई, 676 में 576 घटाओ सौ आ जाए, 2x², ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, x² बराबर कितना आ जाएगा 10, 100 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 10 सेंटीमीटर। अंडर रूट जब लेते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, लेकिन माइनस की दूरी होती नहीं तो प्लस की ही लेंगे, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BC कितना आ जाएगा हमारा, BC ये वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आंसर देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 112, 112 में बी, बी आंसर, यानी बी आंसर इज द राइट आंसर।